उसी तरीके से एक्सटेंशन बोर्ड यूएसबी का भी होता है। एनी डाउट? यूएसबी के बाद सबसे इंपॉर्टेंट एक देखिए, चौड़े जैसा एक ही पोर्ट है, चौड़े जैसा चौड़ा है, दैट इज कॉल्ड नेटवर्क पोर्ट। गिनती बढ़ा लीजिए, नेटवर्क पोर्ट, नेटवर्क पोर्ट। इसका काम होगा फिजिकल नेटवर्क केबल को ऐड करना। लैपटॉप में वाईफाई मोडम है, वाईफाई और हॉटस्पॉट है, ठीक। आपके स्मार्टफोन जिससे भी वीडियो बन रहा है, इसमें भी वाईफाई हॉटस्पॉट है, कोई दिक्कत है? बिकॉज दे आर यूजिंग वायरलेस इंटरनेट, ठीक है। लेकिन मुझे वायरलेस इंटरनेट नहीं चाहिए। आपके स्कूल में ब्रॉडबैंड आया हुआ है, तो एक एंटीना लगाया है, एक छतरी लगाया है, उसके नीचे की केबल गई है, जहाँ आपकी फीस काउंटर जमा होती है वहाँ मोडम लगा हुआ है, दो कोने निकले हुए हैं, दैट इज कॉल्ड मोडम। उसके नीचे एक और डिवाइस लगा है जिसमें ग्रीन बत्तियाँ जलती बुझती दिखाई दे रही है, दे आर इंडिकेटिंग दैट द वाट टाइप ऑफ सिग्नल ही इज गेटिंग एंड दैट वाट टाइप ऑफ सिग्नल ही इज ट्रांसफरिंग। साधारण भाषा में या वो इंडिकेट कर रहा है कि कितनी मात्रा में उसको सिग्नल मिल रहा है और कितनी मात्रा में वो सिग्नल सप्लाई कर रहा है। कोई दिक्कत? आप अपने घर में बिजली के बोर्ड में इंडिकेटर लगाते हैं? ये लगाने से क्या होता है, पता चलता है किस बोर्ड में करंट आ रहा है? मोटर के बगल में भी होता है, फ्यूज हो जाने से क्या प्रॉब्लम होती है, पता नहीं चलता है कि वो वहाँ पावर जा रहा है या नहीं जा रहा। तो दे आर इंडिकेटिंग वाट एवर द सिग्नल आर दैट डिवाइस रिसीविंग, जहां से सिग्नल आ रहा है, ठीक, और वह कितना सप्लाई कर रहा है, या दोनों इंडिकेट कौन करता है, वो छोटे टाइनी बल्ब। एनी डाउट? कोई दिक्कत? सो तो वह नेटवर्क केबल इसमें आएगा, अगर हम फिजिकल नेटवर्क यूज करें तो, क्योंकि पीसी में मोडम हवाई पाई ये सब की जगह नहीं होती। हाँ, अब नए सीपीयू में लगवाए जा सकते हैं और आते भी हैं, लेकिन उनकी कीमत बढ़ जाती है। अगर आप बढ़िया सीपीयू लें आज के अपडेट में, बढ़िया मदरबोर्ड के साथ एक असेंबल करें, तो आपकी कीमत हो जाएगी 50+। लैपटॉप आपको 30 से 35 हज़ार में आराम से डेल से ले रहे हो, एसर एचपी सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको मॉडर्न ये वो सब कुछ फीचर के साथ चाहिए, आईकोर प्रोसेसर 5 चाहिए, रैम आपको 8GB+ चाहिए, तो वैसी स्थिति में आपका कॉस्टिंग कहाँ भाग जाएगा? अप्रॉक्सिमेटली, लेकिन आप निश्चित हो जाएंगे, कोई दिक्कत है? एनी डाउट यहाँ तक? तो नेटवर्क पोर्ट ये क्या करेगा, फिजिकल वायरलेस इंटरनेट नहीं देगा, ये कौन सा देगा, ब्रॉडबैंड देगा। तो ये नेटवर्किंग के काम आता है, क्लियर। एक और काम आएगा, ये कंप्यूटर है, इसमें भी एक मदरबोर्ड होगा।